छोटू को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऊपर आलू टिक्की के सामने चॉकलेट तुम दोनों है मिर्ची छोटू मिल चीयर्स जल्दी छोटू बैठी बैठी लोगों अभी काफी तकलीफ से जूझ रहे हैं हम दोनों। पहले हम लोग मजबूर थे, अभी मजदूर है। सो ये मजदूरी करने के बाद वक्त बहुत कम मिल रहा है, तो सोचिए हम लोग, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आइटम विच इज बर्गर किंग और ये है मैकडॉनल्ड्स। तो हम लोग करने वाले हैं महासंघ संग्राम, महासंग्राम होने वाला है आज बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स के बीच में। और हम लोग इनके बेस्ट सेलर कॉमन चीज प्लस डेजर्ट मंगाए हैं और मुझे पता नहीं है इसके अंदर डेजर्ट है जो है शाम के 6 बजे मंगवाया था, शाम के 6 नहीं 8 बजे मंगाया था, अभी बजने जा रहा है 11:30 हो रहा है, 11:30 पता नहीं क्या होने वाला है, तो देखते हैं आगे उसको गर्म। उससे पहले वो हाँ उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और तब तक के लिए हम लोग जाते हैं मजदूरी करने। तो आप लोग देख सकते हो कोरियन रेस्टोरेंट में काम करते करते हेयर स्टाइल भी कोरियन हो गया है, ये भी कोरियन हो गई है, लेकिन असलियत में प्राची हम लोग की क्या है छोटू। तो छोटू अनबॉक्सिंग करेगी मैकडॉनल्ड्स, मैं अनबॉक्सिंग करूंगा बर्गर किंग। यार एक बात आज तो मेरे को भी भूख लग रहा है। अच्छा हम लोग ना रेस्टोरेंट में थे ना, तो ये बैग था गरम गरम था, थोड़ा खुशबू आ रहा था, और इस बैग के पास से जब से जा रहे खुशबू और भूख लग रहा है। काफी सामान है खाने के लिए आज, जो भी है ये है खाने पीने के सामान। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सबसे कॉमन चीज का कंपैरिजन, वो है रैप। रैप हिप हॉप, अब देख पैकेजिंग पैकेजिंग का बोल नहीं सकते, पैकेजिंग डिपेंड नहीं करता नहीं, इसका अच्छा है इसका, लेकिन रैप वाला पैकेजिंग आया है रैप, ये तो यहाँ से खोल सकते हैं हम इसको ऐसे करके, और ये इसको ऐसे खोलना पड़ेगा। Looking like a wow. Wow. So elegant. गरम करना पड़ेगा। ये वाला सबसे बेकार पैकेजिंग होता है, यही बेस्ट है बाबा, मेरे को तो देख के वही अच्छा लग रहा है। ये वाला नया आया है जो कि सस्ता है इससे, ये है तंदूरी चिकन रैप और ये है जो मिलता है एक ही रैप मिलता है फायरी चिकन रैप। तो पहले इसको गरम करते, सब कुछ ही गरम करते थे उसके बाद करो। ओ मैं उठी नहीं, मैं उसको छोड़ो छोड़ो जल्दी, क्या तेरे को साइड पे जल्दी छोटू, मैं छोटू नहीं रही। अच्छा सॉरी सॉरी, छोटू की चुटकी आ गई, छोटू की चुटकी, छोटू की चुटकी। आपको आज तो स्पा करा के सुंदर सुंदर लग रहे थे। तो मैं ट्राई करने वाला हूँ बर्गर किंग का फायरी चिकन रैप, और प्राची ट्राई करेगी तब तक मैकडी का रैप। मैकडी का कौन सा रैप? तंदूरी नॉन वेज। अच्छा लिखा हुआ नहीं, है नहीं कहाँ लिखा हुआ है, ये तो रहा लिखा हुआ है तंदूरी चिकन, मैंने देखा नहीं था। तो ये नया आया जो कि काफी सस्ता है 160 या 150 का, और ये है 210 का। सो कंपेयर करके देखते हैं हिसाब से, तो आप देख सकते हो अगर मैं रिव्यू करूँ, जैसे कि ये खाना चालू कर चुकी है उसका छोटा है, ये वाला बहुत बड़ा है। फीलिंग तो दिखा ही नहीं, वो भूख लग रहा है अब भी, पैती दे दिया तंदूरी तो फील ही नहीं हो रहा है, तंदूरी सॉस दिया ना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तंदूरी सॉस सब अच्छा है। बर्गर किंग का एक अच्छा चीज है वो रहा है अधिक थीगा फ्राइड चिकन, आपको दिख रहा है इतना कुछ ठीक है, लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि इसका चिकन में प्रॉब्लम है। हाँ मतलब उतना अच्छा वो सॉस वॉस का टेस्ट नहीं आ रहा, इसका चिकन इज नॉट एक्चुअल चिकन, इसका चिकन में मैदा है, बर्गर किंग का चिकन में मैदा है, ये इसका रोटी मतलब इसका चिकन एक्चुअल चिकन है, जो रैप है ना वो बहुत पतला है, ऐसे बड़े बड़े फूड क्या बोलते इसको क्रिटिक्स एक्सपीरियंस एंथुसियास्ट होटेलियर को क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंटो वही को बोलोगे अच्छा एक्सपीरियंस हमारा। इसका ये जो है ना पैटी, ये ना प्रोसेस्ड वो जो वीगन 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 मीट नहीं आता वैसा है, जो मैदा से सोयाबीन और मैदा से बनता है वीगन मीट, मैं टेस्ट वाइज और अंदर जो सॉस वॉस की वजह से जो मुंह गीला गीला रहा है, ये ठीक है, सस्ता भी है अच्छा भी है, प्लस इसका ये बहुत काफी पतला भी है। प्राची लिपस्टिक लगाया शिट दोनों में, तो मैं इसको अपनी बंदी के साथ खाना मत शेयर करना ठीक है, मुझे तुम्हारी भी खोट रसीले हो गई। तो मैं इसको रेट करूंगा आउट ऑफ 10 8 और प्राची इसको 7 इसको 5 मैं इसको 6 दूंगा ठीक है। अब कल जो है
जैसे आपको पता है मैकडॉनल्ड मैकपफ के बिना अधूरा है, वैसे ही जैसे कि मैकडॉनल्ड्स के बारे में सब लोग जानते हैं उनका मैकपफ जो कि कॉशन हॉट हमेशा लिखा रहता है और सबसे फेमस है, वैसे ही यहाँ पे बर्गर किंग का भी ये टाको काफी फेमस है। लोग मतलब आते जाते उठाते हैं, ऐसे टाको उठाते रहते हैं, क्योंकि पता है इसका प्राइस कितना है? दिखाना होता है अभी ये बोल के लास्ट में खा गई। अब मेरे को फीलिंग कैसा दिखाएगा तोड़ के? तो इसके अंदर कुछ नहीं है, मेयोनीज है, लेटस है और एक तो ये, ओ मैंने ये वेज मंगाया। अच्छा तो ये भी तो वेज ही है ना, क्योंकि टोटल कार्ट वैल्यू ज्यादा हो रहा था। ठीक है वेज ट्राई कर लेता है, वो भी वेज है। जैसे इसके बाद हम लोग खाने वाले हैं बर्गर आइकॉनिक, ये गो टू गो के लिए ठीक है, इसमें से पिज्जा का फीलिंग का टेस्ट आ रहा है। अच्छा मुझे अच्छा लगा, मैं अंदर पिज्जा का फीलिंग रहता है, ऊपर ये ब्रेड का वो रहता है पफ। देखो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, तो वो उसका अच्छा है, ये इसका अच्छा है, ये इसका टेस्ट जैसा जैसे मेरे को पता है लास्ट जो खाया था वैसा ही है, और उसका भी अच्छा ही है। यहाँ पर आपका खाने का चीज नहीं है, यहाँ से जाओ। बुफर ना बे, बुफर 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 बुफर। सो जैसे कि लास्ट वाला आइटम जैसे कि उन लोग का सबसे आइकॉनिक था, वैसे उन लोग का एक बेस्ट सेलर भी होता है, जैसे यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स के इसमें मैं कर रहा हूँ, वो है आलू टिक्की बर्गर, और प्राची कर भी है बर्गर किंग बुफर बुफर। बट ये जे आर क्या है? जे आर मीन्स जूनियर, लाइक यू जूनियर छोटू। छोटू को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जूनियर। उसके लिए बर्गर क्या? जूनियर। देख सकते हैं यहाँ पर सावधान, देख ही रहे वो लोग, देख क्या सकते हैं, देख तो सकते हैं तभी ना देख रहे हैं। अरे यार इसका ये टूट क्यों जाता है हमेशा? क्या दिख रहा है आप लोगों को? कमेंट करके बताओ क्या दिख रहा है, क्योंकि ये लोग का बेस्ट सेलर है, तो उसमें सब कुछ रहता है, जैसे कि हमने देखा चीज स्लाइस था, टिक्की था, टमाटो था, अनियन था, लेटस था, सॉस था। अभी आलू टिक्की को रिवील करते हैं। टिक्की तो मम्मी, अच्छा यहाँ पे थोड़ा तंदूरी मेयो, अनियन सॉफ्टन अनियन तो, और पैटी बहुत सूखा, टमाटर दिया है, और आलू टिक्की, और ये बर्गर जो बन मेरे को पसंद है मैकडॉनल्ड्स का नो डाउट, बट अभी पता नहीं आलू टिक्की है ये। हाँ, टेस्ट में कैसा होगा इसका? आलू टिक्की ना अच्छा दिखे, करते हैं टेस्ट, दिखने में ऐसा है पर आलू टिक्की बहुत अच्छा है। चीयर्स। बात तो है उस पे कुछ, इसका सॉस बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है, लेकिन बन इतना सॉफ्ट है ना, मतलब 8 बजे ऑर्डर किया था, 11 बज गए और रीहीट करके खा रहा, फिर भी वो बन में जो सॉफ्टनेस है, ओहो गजब। मुझे अच्छा नहीं लगा वो जिम वाला पैटी इसके अंदर। ये खा के देख, जन्नत क्या मिलेगा? जन्नत आज का फेमस डायलॉग, जन्नत। मजदूरी। मैं भी अब एक बाइट ले ही लेता, ऐसे मन तो है नहीं, जैसे प्राची रिव्यू दी, सीएससी में सीट देखने का एकदम मन नहीं। अभी आप लोग समझोगे नहीं, कुछ दिन बाद सिंपल ब्लॉग्स वाले बोला सब समझ जाओगे। सीएससी में सीट उतना खाते, ये सच में जन्नत लग रहा है यार। बर्गर किंग का ये प्रॉब्लम है, इन लोग का बन अच्छा नहीं है, ये तो इन का इन हाउस बनता है, समझ नहीं आ रहा खाते, इन लोग ऐसा लगता है वो भाई वाला दुकान से लेके आ रहे हैं। अंदर का टेस्ट ठीक है, पर आलू टिक्की के सामने फेल हो गया, ये खाली एक डिसअपॉइंटमेंट है। हाँ मैकडॉनल्ड जी कितना देगा? 10 में 10, क्योंकि कार्तिक आर्यन के बाद किसका मिल आएगा? छोटू, छोटू मिल। जिंदगी में थोड़ा क्या कमी है? स्पाइसी, स्पाइस का कमी है, तो हम लोग खाने वाले हैं मिक्स स्पाइसी, और यहाँ पे है फायरी। फायरी का मतलब वही होता है मिर्ची स्पाइसी, मत बोलना कंपेयर ढंग से नहीं हुआ, हम सब ढंग से करेंगे। देखो पैकेजिंग वाइज तो बर्गर किंग फर्क नहीं पहनती, पॉइंट पॉइंट। ये वाला तो मुझे लगता है कितना बड़ा है, विजेता तो क्या बोल रही है, बर्गर बर्गर आप भी ना दीदी, फ्राइड दिया है ना। Point is, ये स्पाइसी कौन से एंगल से होगा? लगता है कोई और जीत चुका है यहाँ पे, बीके, बीके ने सामने वाले को सीके बना दिया। अरे मुझे पहले पता ये स्पाइसी कहाँ से होगा? अरे पैटी स्पाइसी होगा, वही बात है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे चिली फ्लेक्स वगैरह देखे, बन को भी स्पाइसी किया गया है, और ऑलिव दिया है जिसमें हल्का एलोपिनो जो की हल्का स्पाइसी इफेक्ट देता है।
तो अब तक टेस्ट करके बता सकते कौन सा अच्छा है। चिकन बाहर निकाल गया, इतना ज्यादा वो है। बड़े 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 आदमी हो गए है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सॉसेज का स्पाइसी है। अच्छा मैं भी खाकर ही देखूं। काश कोई ऐसा होता जो सॉस ही खा ले। चॉकलेट कार्तिक हमें लिपस्टिक ज्यादा लगा रही है तो उल्टा हो गया ऐसा लग रहा है। ये बर्गर किंग का बन है सेसमी सीड। अरे वो सब छोड़ो ना, स्पाइसी फीलिंग नहीं आया बेटा। मुझे लगता है गलती वाला दे दिया तुमसे ना। हाँ स्पाइसी वाला कोई फीलिंग नहीं है, तो नॉर्मल मेयोनीज और बर्गर है। बर्गर पैटी, मतलब पैटी समझ गए ना। मेरी बेटी पैटी बेटी। अरे क्या ग्राइंडिंग है दीदी, रैप तो खा चुके लेकिन रैप अभी तुम दोनों है टट्टी। अब हम खाएंगे बर्गर किंग का टट्टी। क्या हो गया इस देश को। कट्टी कट्टी जो भी है आउट ऑफ द राइम आप जाके कर दो सब्सक्राइब। शौक लगा। अरे रिव्यू हो चुका है, हाँ हाँ करके छोड़ दे। Silent speaks everything. समझ गए? क्या? Silent. उसमें हम लोग रिव्यू नहीं दिए ना लास्ट में मैंने। Silent speaks. किसी को कोई फर्क पड़ा? हम लोग रिव्यू नहीं दिए फिर भी तब जाके ऑर्डर करके खाओगे और कर देते हैं रेड बुल को प्रमोट, तो आ जाएगा हमारे पास रेड बुल का प्रमोशन। तो अभी हम लोग स्पाइसी फायरी करते करते भूल गए थे, थोड़ा राइमिंग थोड़ा खराब हो गया था। मैं भूल गया मेरे को स्पाइस लगा है, मतलब स्क्रिप्ट में था कि हम लोग को स्पाइस लगेगा और फिर हम लोग ऐसे आइसक्रीम और ये खाएंगे, बट वो 8 बजे का बात था, अभी 11 बज रहे हैं। और इधर आओ कैमरा मैन, ये आइसक्रीम जो था मिल्क फ्लरी। अरे बिट्टू तू बोला था ना मिल्कशेक ऑर्डर करते, मिल्कशेक ऑर्डर करते, बस देख यूनिवर्स ने क्या कर दिया। यूनिवर्स ने शेक कर करके मिल्कशेक बना दिया है। तो हम लोग ने किया था मिल्क फ्लरी आइसक्रीम और ये बन गया है फ्लडी शेक। इसको बनना से क्रंची बॉल्स दिया होता, वो ऐसा लग रहा है मैं केलॉग्स और दूध पी रहा हूँ ना। केलॉग्स और दूध लग रहा है पूरा, ये सब देखो बॉल्स है। केलॉग्स ही दिया होगा ना ना, क्रंच जैसे चॉको चिप जैसा नहीं होता, वेफर जैसा वो था। ओके ये तो लग रहा है कि ये रैबिट का और यहाँ बर्गर किंग का है मूज, क्योंकि ये मूज है इसका कुछ होने नहीं वाला। अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा लेकिन बट इसका कुछ होने नहीं वाला, ये जैसा था वैसे ही रहेगा। ये ना पीने में बड़ा मस्त लग रहा है, बट अगर ये पूरा सॉलिड वाला आता अच्छा बात तो सही है, पर ये अभी सॉलिड है तो इसी कोई पॉइंट जाएगा ये नहीं। ऐसा बात नहीं, पॉइंट नहीं देंगे। डेजर्ट को आप लोग करो स्किप, जब जो मन करे डेजर्ट खा लेना। अच्छा दोनों है बट मतलब समझ रहे हो ना, अभी ये रिव्यू देने की हालत में नहीं है। इसको खा लेंगे तो इसको चैन मिले शायद, इसका आत्मा को शांति मिले। अच्छा पागल पागल लग रही है, इसको वाओ उसको सबटाइटल का काम दे मिस कर रही है। इस सिंपल बॉडी का आत्मा कहां से आ गया? चलो बहुत हो गया। अरे ये लग रहा है बोबा मिल शेक। तो बोबा कहां है? कितना सारा आइटम निकल गया सच एक पिघलने पे। तो बोबा कहां है? So, कौन से में किसको क्या मैं हो गई हूँ फुल। हाँ वही मजे है रात के 12। चलो अब चलते हैं, टाटा बाय बाय। प्राची हो गई है टुल और प्राची करेगी अभी फुल, क्या करेगी मुंचुल बुल। मेरे को ध्यान नहीं है कि हम लोगों ने किसको कौन से में जिताया था, ठीक है पता नहीं कैसे कंपैरिजन हुआ है लेकिन ड्रॉ हो गया है, सोच लो ड्रॉ। लेकिन जो भी है हम लोग का कंपेयर करे नहीं करे फिर भी ब्रांड चलते रहेगा, आप लोग खाते रहोगे। बस वीडियो अगर मजा आया तो चैनल को कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो क्या करना और अच्छे अच्छे सजेशन देना की छोटे मोटे वीडियो जो 1-1.5 घंटा में हो जाए ना, कि पूरा दिन हम लोग इतना लॉन्ग वीडियो नहीं कर। अब लेबर वर्क भी तो बहुत मेहनत का काम है ना, सैलरी मिलता बर्तन सैलरी किसको मिलता है?